हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एश कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करेंगे कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स पे। ये टर्म्स पीपीएससी के पेपर्स में अक्सर रिपीट होती हैं, तो आज हम देखेंगे कि असल में ये टर्म्स हैं क्या और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं आइलैंड को। आइलैंड क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर। खुश्की का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी के दरमियान घिरा हुआ हो उसे आइलैंड कहते हैं, जिसकी चारों साइड्स पे पानी हो और कोई भी साइड जो है वो किसी और लैंड बाउंड्रीज के साथ अटैच ना हो। जैसे हमारा लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, श्रीलंका, ये तमाम आइलैंड्स हैं। अब बात करते हैं पेनिनसुला की। तो पेनिनसुला क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लैंड which is surrounded from the three side by the water, जिसकी तीन तरफ से जो है वो पानी हो और एक तरफ से वो एक larger mass के साथ connect हो रहा हो उसे peninsula कहेंगे। जैसे Arabian peninsula, Indian peninsula, Iberian peninsula, तीन अतराफ में से ये पानी के अंदर है और एक तरफ से ये connect है एक larger mass of the land से, इसको कहेंगे हम पेनिनसुला। अब बात करते हैं बे की। तो बे क्या होता है? द इनलेट ऑफ वाटर ऑन द लैंड। ये जो इनलेट ऑफ वाटर है, ये जो पानी का इनलेट है, ये जो पानी खुश्की के ऊपर आया हुआ है थ्रू वाइड चैनल, जिसका जो माउथ है ये वाइड हो, इसको बे कहा जाएगा। इनलेट ऑफ वाटर जो वाइडली तौर पर किसी भी खुश्की के टुकड़े पर आ जाए उसे हम बे कहेंगे। जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ हडसन, ये तमाम मिसालें हैं बे की। इसके साथ गल्फ। गल्फ क्या होता है? गल्फ भी इनलेट ऑफ वाटर होगा लेकिन ये नैरो होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इट्स अ नैरो इनलेट ऑफ वाटर। है इनलेट ऑफ वाटर ही है। बे के अंदर क्या है कि इसका माउथ जो वाइड होगा और गल्फ जो है इसका माउथ जो है वो नैरो होगा। गल्फ को जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं खलीज, खलीजे फारस, पर्शियन गल्फ, बड़ी मशहूर गल्फ है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों है तो इनलेट ऑफ वाटर, लेकिन जो वाइड होगा उसे बे कहेंगे, जो नैरो होगा उसे गल्फ कहेंगे। अब बे जो होते हैं ये अक्सर समाल होती हैं और गल्फ जो है ये बिग होती हैं, लार्ज होती हैं। इनके अंदर जो पानी का कंटेनमेंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा होती है बनिस्बत बे के। बे का माउथ वाइड होगा, कंटेनमेंट ऑफ वाटर कम होगी। गल्फ का माउथ जो है वो नैरो होगा लेकिन कंटेनमेंट ऑफ वाटर जो है वो बे के मुकाबले में ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इसमस की। इसमस क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लैंड विच कनेक्ट द टू लार्जर मास ऑफ द लैंड। खुश्की का वो छोटा टुकड़ा जो खुश्की के दो बड़े मासेस को आपस में कनेक्ट करता है इसे इसमस कहा जाता है। ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करेगा और दो लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करेगा। जैसे कि इसमस की हमारे पास मिसाल है इसमस ऑफ पनामा, इसमस ऑफ स्विस। अब इसमस ऑफ पनामा जो है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ। इसमस ऑफ स्विस जो है ये कनेक्ट करता है अफ्रीका को एशिया के साथ। अब ये जो इसमस, मतलब सपोज करेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इसमस ऑफ पनामा जो है अब ये सेपरेट कर रहा है दो वाटर बॉडीज को भी। कौन कौन सी वाटर बॉडीज? इधर पैसिफिक ओशन है, इधर कैरिबियन सी है। ये क्वेश्चन अक्सर पीपीएससी में रिपीट होता है कि इसमस ऑफ पनामा जो है ये किन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। तो ये पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी को आपस में सेपरेट करता है और यहां पर किनाल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पनामा किनाल। पनामा किनाल जो है ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी के साथ। ये मैन मेड किनाल है, 1914 में बनाई गई थी और इसको ऑफिशियली जो है वो ओपन कर दिया गया था ट्रांसपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं स्ट्रेट की। तो स्ट्रेट क्या होगी? पानी का वो टुकड़ा जो दो लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर को आपस में कनेक्ट करे। पानी का वो छोटा टुकड़ा जो दो
बड़े पानी के टुकड़ों को आपस में कनेक्ट करे और दो लैंड मासेस को सेपरेट करे, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट। जैसे कि ये देखें, ये वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है। स्ट्रेट, स्ट्रेट की अगर मिसाल देखी जाए तो स्ट्रेट ऑफ हर्मस, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा, पीपीएससी में ये बड़े क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किन दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटाइन सी के साथ। स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ उमान के साथ। इसी तरह अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ बाबे मंदी, तो ये कनेक्ट करती है रेड सी को अरेबियन सी के साथ। होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।